आप उसे अभया कहिए या फिर आप उसे तिलोत्तमा कहिए, लेकिन परिवार पर क्या बीत रही है ये जानने के लिए हमारे साथ पीड़िता के परिजन हैं, माँ और पिता दोनों साथ में हैं। जब ये पता लगा बेटी के बारे में और आज की जो स्थिति है, भरोसा है कि सरकार इंसाफ दे रही है? भरोसा तो रखना ही पड़ेगा, किसी का ना किसी का किसी के ऊपर तो भरोसा रखना ही पड़ेगा। मेरा जो सबसे बड़ा एजेंसी है क्राइम ब्रांच के, वो CBI है, हम लोग जानता है, वही जानता है, उसको सब दिया गया हाईकोर्ट ने, हाईकोर्ट की आपने नजरी में ये तदंत होगा। और क्या बोले, असर हिम्मत, ये जो हम जो हिम्मत रखा है ना, इसके लिए भी किसी किसी को दुख पास देख रहा है, किसी किसी कुछ कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट आ रहा है, एक लड़की का बाप ऐसे किसे बोल रहा है, क्या करेगा, हिम्मत नहीं हारे, हिम्मत हारेगा तो ये इसका जस्टिस मिलेगा हमको, सारा देशवासी इतना देखिए क्या कर रहा है सारा देश का लोग, ये सब मेरा लड़का लड़की मानता है हमको, एक लड़की गया है, ये करोड़ लड़की लड़का लड़की मेरा सामने आके उसका विचार चाहिए। आपने जब अपनी बेटी को देखा था आखिरी बार, हाँ, अंतिम संस्कार के पहले, हाँ, तो क्या बीत रही थी आपको? क्या बोले, इसके बारे में बोलना बहुत दिक्कत है। 62 साल मेरा उम्र है, इतना साल से हम जो कुछ किया है हम लोग सब उस दिन में पानी में बहा दिया, इसका ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, इसका बारे में आप लोग मत पूछिए, आपका पास मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा दिल तोड़ गया, क्या बोलूं, इतना एक लड़की का इधर ले आना कि जो लाते हैं, जो लड़की आते हैं वही जानता है ये क्या है। एक माँ के तौर पर जब आप बेटी के बारे में सोचती हैं अभी, इंसाफ तो का कितना पहले से बांग्ला है बोलबो आप पे क्या अपना रूप आपने की जखन मे के देख लें तखन आपनर की अवस्था छिलो, जखन गेलें ওখানে হসপিটালে কি দেখলেন কি অবস্থা ছিল আপনার মানসিক অবস্থা বলুন। আমি আমার ওই অবস্থায় দেখার দেখে আমার মানসিক অবস্থা আমার সেটা বলার মতো ভাষাই নেই, আমি মেয়েকে কোনোদিন ওইভাবে দেখবো সেটা আমি স্বপ্নেও কল্পনা আনিনি, মানে আমি কি বলবো আমার ভাষাই নেই আমার মেয়েকে ওই অবস্থায় দেখার মতো। समझना चाहती हूँ अभी आपको CBI पे सर CBI सर यदि विचार पाए তাহলে আমি আমাদের একটু আত্মার শান্তি হবে, আমার মেয়েটারও একটু আত্মার শান্তি হবে, আর এবং ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা যেন না ঘটে, এসা ঘটনা দুর্ঘটনা কিসি কা পাস যেন আমার মতো কল ফাঁকা না হয়ে যায়, আর পুরো দেশবাসীর উপর আমাদের একদম অন্তর থেকে আস্থা আছে। আজ 15 আগস্ট है, आजादी का दिन है, आपके लिए इसके कोई मायने है कि खत्म हो गया है? पूरा खत्म हो गया पूरा, ये आज का दिन बहुत आदमी ने मेरा लड़की के लिए आज़ादी का दिन माना है, प्रधानमंत्री उन्होंने भी पहले जब शुरू किया था इस बारे में थोड़ा उल्टा घुमा के बोला है, लड़की का सुरक्षा देने के लिए बाद बोला है, लेकिन मुँह से बोलने से नहीं होगा, लड़की का सुरक्षा चाहिए। आप भी एक लड़की है, बाहर में काम करता है, आप क्या सिचुएशन में रहता है, काल एक सांबादिक का बात में ना बोलने से हमको बहुत दुख होगा। मेरी एक बात बताइए, आप जब बाकी डॉक्टरों को देख रहे हैं अस्पताल में, आपकी बेटी ने कभी बोला कि उसको कोई दिक्कत होती है या असुरक्षित है? उसका जो VP है, जो इमीडिएट सीनियर है, जिसका अंडर में वो काम करते थे, उसका ऊपर उसका बहुत दिक्कत था उसका। आपको लगता है इसमें एक से ज्यादा लोग लगे होंगे कि जिस बहुत बड़ी बात है, क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि बेटी ने पहले भी बताया था कि क्या स्थिति है, क्या मानसिक स्थिति है या क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, इस समय जिस माहौल में है घर पर गमगीन है और ऐसा गम है जिसके घाव कभी नहीं भरेंगे। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल, ABP News।